Hello guys, good morning. This is Amit Soni and I'm from AS English Club, where English is just a play. And I'm standing here in front of you again with a very exclusive video. And in this video, we will discuss about the history of English. That's very important, dear students. And this video will be very beneficial for the plus two students especially. So let's go ahead to the topic, history of English. So dear students, with the in the beginning of the video, I would like to make you understand the definition of English first. So what is it? It is written here on the board. It is a mixture of languages that is not only spoken in India but all over the world. यदि इस इंग्लिश की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश की डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं ताकि इंग्लिश की डेफिनेशन और भी अलग लैंग्वेजेस से डिफरेंट लगे. इंग्लिश को हम मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं. कोई पूछे यदि आपसे कि इंग्लिश को मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश ही एक ऐसी मात्र लैंग्वेज है जिसमें हम हिंदी, अमेरिकन, ग्रीक और संस्कृत के भी वर्ड्स को हम हिंदी में इंग्लिश में यूज करते हैं. और इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि इंग्लिश को मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं. जैसे कि जंगल वर्ड है, लूट वर्ड है, जो कि हम हिंदी के वर्ड्स में डिक्शनरी में यूज करते हैं, हिंदी वर्ड में लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो कि हम इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं. जैसे मुझे जंगल जाना है तो आई वॉन्ट टू गो टू जंगल भी आप बोल सकते हैं. आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट की जगह पे आई एम गोइंग टू जंगल भी आप बोल सकते हैं. जैसे फॉर्मूला है, ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड है, जीनियस है, बेसिस है, थेसिस है, क्राइसिस है, ये सारे वर्ड जो है यूनान की भाषा के वर्ड है. ग्रीक लैंग्वेज को कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज को उसको हम कहते हैं. तो इस तरह की एग्जांपल से हम समझते हैं कि इंग्लिश डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस की मिक्सचर है, इसलिए इंग्लिश को मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं. एंड यह इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है. एंड जिसमें हम बात करें इंग्लिश की शुरुआत की और इंग्लिश की जो है इनिस्टिंग पॉइंट की, इनिशिएटिंग पॉइंट की, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से की गई. तो दिस वाज फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ कंप्लीट इंग्लिश जो है आपकी इंग्लिश लिटरेचर हो या इंग्लिश ग्रामर हो उसे हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की भी हम बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं कंप्लीट इंग्लिश की. तो एक नाम आता है जियोफ्रे चाउसर. जियोफ्रे चाउसर जिनको हम फादर ऑफ कंप्लीट इंग्लिश कहते हैं. आप इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कह सकते हैं या फादर ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं. ठीक है, इस उससे मगर हमें यदि ग्रामर की जरूरत है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर की कोई पूछे आपसे तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी आप बता सकते हैं. फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मूरे, LINDLEY, लिंडले मूरे. लिंडले मूरे साहब ने ग्रामर का यूज करना लोगों को सिखाया. He taught how to use English grammar to the people, and that's why this one is called as the father of English grammar. And English complete English literature हो या English हो, उसके हम father की बात करें तो जियोफ्रे चौसर का नाम लेते हैं. And जियोफ्रे चौसर का English में उसकी birth year आप जानना चाहें तो 1300 से 1400 BC में इनकी birth मानी जाती है, यानी कि 1300 से 1400 BC के बीच उनका जन्म माना जाता है. तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि 1300 से 1400 BC के बीच से हम इंग्लिश को यूज करना शुरू किए. तभी से इंग्लिश हम लोग यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली हम पहले यूज करना शुरू किया हम लोगों ने. बट यदि हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश की ग्रामर की यूज कब से शुरू हुआ, तो इनिशिएटर जो है इंग्लिश के, यदि आप कहें कि इनिशिएटर इंग्लिश को स्टार्ट किसने ने किया, इनिशिएटर ऑफ इंग्लिश ग्रामर यदि आप जानना चाहें कि इंग्लिश ग्रामर की कुछ वर्ड्स का यूज सबसे पहले विलियम बुलॉकर साहब ने सबसे पहले 16th सेंचुरी में सबसे पहले इन्होंने ग्रामर के कुछ वर्ड्स का यूज करा था. एंड उसके बाद लिंडले मूरे साहब ने ग्रामर का यूज करना लोगों को सिखाया. एंड दैट्स व्हाई लिंडले मूरे को ही फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहते हैं. मगर इंग्लिश की ग्रामर की सबसे पहली शुरुआत विलियम बुलॉकर के द्वारा 16th सेंचुरी में किया गया. वेल, निश्चित हम आगे चले इंग्लिश के इतिहास में और आगे बढ़े तो इंग्लिश जब शुरुआत हुई, जब बिगनिंग हुई, तो इंग्लिश को इंग्लिश नहीं, इंग्लिश को हम प्रोटो इंडो यूरोपियन इंग्लिश कहा करते थे. यानी कि इंग्लिश में एंशियंट इंग्लिश की हम यदि बात करें तो एंशियंट इंग्लिश को हम जिस नाम से बुलाते थे वो है प्रोटो इंडो
यूरोपियन इंग्लिश, प्रोटो इंडो यूरोपियन इंग्लिश, यानी कि कोई आपसे पूछे या एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश जब से शुरुआत हुई, शुरुआत में जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, उसको किस नाम से बुलाते थे, तो ये सब हैव एन ऑप्शन. आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश को जो बिगनिंग में बोला जाता था उसे हम प्रोटो इंडो यूरोपियन इंग्लिश के नाम से जानते थे. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि यदि हम फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात करें या फादर ऑफ इंग्लिश की बात करें, तो विलियम शेक्सपियर की बात ना करें तो अधूरा सा लगता है. तो विलियम शेक्सपियर को भी बहुत लोग फादर ऑफ इंग्लिश के तौर पे जानते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि फादर ऑफ इंग्लिश या फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में विलियम शेक्सपियर का कहीं नाम नहीं है. बट विलियम शेक्सपियर ने हमारे यहाँ क्या, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में क्या योगदान दिया, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी क्रिएशंस क्या रही. सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर नाउ. विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं आपको यदि कुछ बताऊं, विलियम शेक्सपियर के बारे में हम जानेंगे. विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है वो 26 अप्रैल 1564 में हुआ और डेथ उनकी 23rd अप्रैल 1616 में हुई. 1616 यानी कि जन्म उनकी 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में और मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई. उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था. फादर्स नेम उनका जो है वो जॉन शेक्सपियर रहा. जॉन के बारे में और भी हम चीजें जानना चाहें, तो विलियम शेक्सपियर जब 18 साल के हुए, 18th year old, तो विलियम शेक्सपियर 18 साल के हुए, गॉट मैरिड, शादी उन्होंने करी, गॉट मैरिड विद 22nd year old एनी हैथवे नामक महिला से उन्होंने शादी करी. यानी विलियम शेक्सपियर जब 18 साल के थे तो उन्होंने शादी कर ली 22 वर्ष की महिला एनी हैथवे से. ये उनकी जो है बैकग्राउंड हुई, बायोग्राफी हुई, उनके लाइफ से जुड़े पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुई. बट ऐसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है उनकी कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में. तो मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लिटरेचर में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा. विलियम शेक्सपियर की कंट्रीब्यूशन की बात करें और क्रिएशंस की बात करें, तो विलियम शेक्सपियर जो है क्रिएशंस, विलियम शेक्सपियर ने अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे लाइफ में 154 सोनेट्स लिखे. 154 सोनेट्स लिखा उन्होंने. सोनेट्स का मतलब होता है कि अ टाइप ऑफ पोएट्री व्हिच हैज टोटल 14 लाइंस एंड यू नो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टू पार्ट्स. डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाले 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और नीचे 6 लाइन जो होती है उसको हम सेस्टेट के नाम से जानते हैं. यानी कि एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट मिलाकर एक कंप्लीट सोनेट बनता है. और ऐसे 14 लाइनों की, जिसको एक सोनेट कहते हैं, 14 लाइनों की पोएट्री को, ऐसे 154 यानी 154 सोनेट्स उन्होंने विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखे. एंड 38 शॉर्ट स्टोरीज अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लिखा. शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरी 38 एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी, यानी 2 लंबी कहानियां उन्होंने लिखी. लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी उन्होंने लिखी. एंड बहुत नॉवेल्स तो उन्होंने बहुत सारे लिखे, बट कुछ नॉवेल्स बहुत ज्यादा पसंद किए गए. जैसे कि स्टूडेंट्स, नॉवेल्स की हम बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स की हम बात करते हैं, तो जूलियस सीजर, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, ये सब नॉवेल्स जो है एटीसी, ये सब नॉवेल्स जो है उनके द्वारा लिखी गई सबसे फेमस नॉवेल्स रही. यानी कि डियर स्टूडेंट्स, नॉवेल्स तो उन्होंने बहुत सारी लिखी, बट ये सारे नॉवेल्स के कारण उनको जो है नेम और फेम बहुत ज्यादा मिला और बहुत लोग पसंद किया इन नॉवेल्स को. एंड इसी सब क्रिएशंस के कारण डियर स्टूडेंट्स, हमें उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज के नाम से जानते हैं. यानी यदि कह दिया जाए कि विलियम शेक्सपियर को क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज, यानी आधुनिक जो कहानियां हैं, मॉडर्न प्रोज
उनके फादर हम लोग विलियम शेक्सपियर को मानते हैं, विलियम शेक्सपियर। यानी आपसे पूछा जाए कि आधुनिक कहानियों के जनक, तो आप विलियम शेक्सपियर का नाम ले सकते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश के नाम के जगह पे विलियम शेक्सपियर का नाम बिल्कुल आप नहीं ले सकते। तो आपने देखा कि ये था इंग्लिश का इतिहास, विलियम शेक्सपियर की लिखी गई क्रिएशंस। हमने जाना विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, 30 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, दो लॉन्ग नैरेटिव स्टोरीज लिखी और कुछ नॉवेल्स में जिसमें जूलियस सीजर, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ये सब नॉवेल्स उनके द्वारा लिखी गई फेमस रही, जो बहुत पसंद किया गया। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो एंड द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वन यू मस्ट लर्न एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो टू गेट द बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज़ यू नो it is added, it is asked in the examination as objective question. So thank you for watching this video. Keep watching. I will be back again with the very exclusive videos. Thank you.